लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में शिव जी के ठीक सामने नंदी जी बैठा हुआ आप पाते हैं। शिव जी के दर्शन कर जब आप बाहर निकलते हैं तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। आप जितनी बार मंदिर जाते हैं उतनी बार ऐसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के सामने नंदी के विराजने की वजह क्या है? कभी जानना चाहा है कि आखिर नंदी के कान में मनोकामनाएं क्यों कही जाती हैं? अगर आपके मन में ऐसे सवाल उमड़ रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुनि योग और तप में जीवन जीने का फैसला किया था। इससे वंश समाप्त होता देख उनके पिता चिंतित हो गए और उन्होंने शिलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर तप में व्यस्त रहने के कारण शिलाद गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से ही पुत्र का वरदान मांगा। परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोते समय शिलाद को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह पता चला तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त अजर और अमर है। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयुषा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है।